गाइस, मैं काजल ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ लाइफ साइट विजिट पर। आज मैं आपके लिए 3 BHK फ्लैट लेकर आई हूँ। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये अपना सेक्टर 125 में है। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये G+2 का कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर मैं इसकी एलिवेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें वुडन टाइल्स का वर्क किया गया है। अगर मैं सोसाइटी के रोड की बात करूं तो ये 45 फीट का वाइड रोड रहेगा। और मैं अगर इसकी पार्किंग की बात करूं तो ओपन इसकी पार्किंग रहेगी। तो अब हम अपने सैंपल फ्लैट की ओर। तो गाइस, अपने एक फ्लोर पे 2 फ्लैट रहेंगे। जैसा कि आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, ये अपने सैंपल फ्लैट की मेन एंट्रेंस रहेगी। इस डोर की अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये 8 फीट की डोर रहेगी। आइए अब मैं आपको अपने सैंपल की ओर लेके जाती हूं। तो गाइस, फ्लैट में एंटर करते ही अपना ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जाएगा। अगर मैं ड्राइंग एरिया की बात करूं तो यहां पे हमने 7 सीटर सोफा यूज किया है। गाइस, अब मैं आपको अपने डाइनिंग एरिया की ओर लेके जाती हूं। यहाँ पे अपना डाइनिंग एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। और अगर मैं इस LED पैनल की बात करूँ तो आपको ये सेम एज इट इज़ ही मिलेगा। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो आप इस एरिया को एज अ पूजा रूम या फिर एज अ बार सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं अपने किचन की ओर। किचन में जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अपने पूरे घर में डाउन सीलिंग कम्प्लीट रहेगी विद LED लाइट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अपने आ जाएगा मॉडर्न किचन। अगर मैं किचन की साइज़ की बात करूँ तो ये 7x14 का रहेगा। अगर मैं किचन की बात करूँ तो प्रॉपर मॉडर्न किचन रहेगा एंड अपनी किचन प्रॉपर L शेप में आपको मिलेगी। अगर मैं किचन की स्लैब की बात करूँ तो डबल ग्रेनाइट हमने यूज़ किया है। अगर मैं इसके कबर्ड की बात करूँ तो अपने हाइड्रोलिक रहेंगे एंड अपने सॉफ्ट क्लोजर के साथ। तो इसी के साथ हम आपको किचन में डबल सिंक बनाकर दे रहे हैं ब्रांडेड फिटिंग के साथ। इसी तरीके से आपको किचन में कोई वेंटिलेशन या लाइटनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम आपको यहाँ पे एक विंडो बनाकर दे रहे हैं। तो गाइस, ये आपकी मॉड्यूलर किचन रहेगी। अगर मैं इस वुडन वर्क की बात करूँ तो ये आपको सेम एज इट इज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप किचन को कवर करना चाहते हैं तो आप इसको वुडन वर्क या फिर POP के साथ कवर कर सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको अपने फर्स्ट बेडरूम की ओर लेके जाती हूँ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। अगर मैं रूम साइज़ की बात करूँ तो ये रूम 10x12 का रहेगा। इसी के साथ आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बहुत बड़ी एक विंडो बनाकर दे रहे हैं, जिसमें सनलाइट या फिर वेंटिलेशन की आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्वीन साइज़ बेड का। बेड का यूज़ करने के बाद भी हमारे पास एक काफ़ी स्पेशियस एरिया बचता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ डाउन सीलिंग की तो आपको वो सेम एज इट इज़ ही मिलेगी। तो आइए मैं आपको वॉशरूम की ओर लेके जाती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हमारा वॉशरूम रहेगा ब्रांडेड टैप फिटिंग के साथ। एंड अगर मैं इसकी टाइल्स की बात करूँ तो अपनी टाइल्स यहाँ पे डोर हाइट्स तक मिल रही है। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की ओर, जो अपने फर्स्ट बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो गाइस, ये अपना सेकंड बेडरूम रहेगा, जो अपना मास्टर बेडरूम रहेगा। अगर मैं रूम साइज़ की बात करूँ तो 11x13 का रूम साइज़ रहेगा। आप रूम पे देख सकते हैं कि आपको हम इस रूम में कबर्ड्स बनाकर दे रहे हैं। आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस एरिया रहेगा जिसमें आपको स्टोरेज की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसी के साथ हम आपको यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपना मास्टर बेडरूम है। इसमें हमने किंग साइज़ बेड यूज़ किया है, जिसके बावजूद भी अपने पास काफ़ी स्पेशियस एरिया रहता है। अगर मैं इसके LED पैनल की बात करूं तो ये आपको सेम एज इट इज़ ही मिलेगा। इसमें आपको AC का प्रोविज़न हम दे रहे हैं। इसमें भी डाउन सीलिंग कम्प्लीट रहेगी सेम एज इट इज़, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके साथ अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो ये भी अटैच रहता है। यहाँ पे अपना वॉशरूम रहेगा, सेम ब्रांडेड टैप फिटिंग मिलेगी आपको एंड अपना डोर हाइट तक टाइल्स रहेगी। तो गाइस, अब आप देख रहे हैं कि मेरे लेफ्ट साइड पे ये विंडो है, ये हम आपको वेंटिलेशन के लिए दे रहे हैं। ये अपना था सेकंड रूम। अब मैं आपको अपने थर्ड रूम की ओर लेके जाती हूँ। तो गाइस, ये अपना थर्ड रूम है। अगर मैं इस रूम की साइज की बात करूँ तो ये 11x12 का रूम रहेगा। इसमें भी आपको कबर्ड्स हम पूरा वॉल टू वॉल दे रहे हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी स्पेशियस एरिया मिल रहा है स्टोरेज के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी स्पेस हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे अपना ड्रेसिंग एरिया रहेगा, सेम एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये
जैसा कि आप इस रूम में भी देख रहे हैं, हमने क्वीन साइज बेड यूज़ किया है। बेड यूज़ करने के बाद भी अपना काफ़ी स्पेशियस एरिया रहता है। इसके साथ भी आपको अटैच मिलेगा वॉशरूम, सेम ब्रांडेड फिटिंग रहेगी इसमें एंड टाइल्स अपनी डोर हाइट तक रहेगी। तो इस रूम में आपको बता देती हूँ मैं, आपको सेम एज इट इज डाउन सीलिंग मिलेगी। अब इस डोर की बात करूँ तो यहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी बैकयार्ड की। तो आइए आपको मैं अपना बैकयार्ड दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अपना आता है बैक साइड पे वॉशिंग एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफी स्पेशियस एरिया है। तो गाइस, ये आपने देखा 3 BHK का सैंपल फ्लैट। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, ये 138 स्क्वायर यार्ड में बना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।